बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह के करम फजल और शुक्र के साथ करते हैं जी आज का व्लॉग शुरू। अभी मैं जा रहा हूँ हवेलियाँ मंडी जा रहा हूँ। आज बुध का दिन है तो वहाँ पे मंडी लगेगी, काऊ मंडी। तो देखते हैं कैसे कैसे जानवर आते हैं, क्या क्या रेट होते हैं, आपको भी दिखाते हैं। इन्होंने वापस लेके जा रहे हैं। रेट ने भाजी सर काले का तुम ही हैं से क्या आते हो? वीडियो यहाँ पे ज़्यादातर ये छोटा वाली है, बकरे वगैरह बकरियाँ। क्या कहते हो? 55,000। ये 55,000 रुपये का। ये बकरा भी ब्राउन वाला अच्छा है। क्या कहते हो? 1,00,000। ये 1,00,000 रुपया बच्चा कह रहा है, माशाल्लाह। ये काला बकरा भी अच्छा है, माशाल्लाह। बुजुर्गों से क्या कहते हो? 50,000 रुपया। ये देखिए, ये दूर से नज़र आ रहा था बकरा, मुझे बड़ा ही प्यारा है, माशाल्लाह। क्या कह रहे हैं इसका? 60,000 रुपया मांग रहे हैं। ये भी अच्छा है माशाल्लाह। क्या कह रहे हैं जिस दुम्बे का? इसका 85,000। 85,000 मंडी चेक कर रहे हैं ये रहा जी। बस मेरे पाँव अगले वाले बांधे हुए थे, ये बात ना। ये देखिए इनके पास भी है बकरे और बकरी हैं इनके पास। ये ज़बरदस्त दुम्बे हैं जी माशाल्लाह। देखिए इनकी चक्की, सही तकड़े दुम्बे हैं। क्या कह रहे हैं? 1,00,000 का। ये 1,50,000 है जी माशाल्लाह। इनके पास दुम्बे मुझे पूरी मंडी में ज़बरदस्त नज़र आए हैं। ये देखें कितने तगड़े दुम्बे हैं। और दूसरे वो वाला, वो भी 1,50,000 रुपए का। अच्छे हैं जी माशाल्लाह। क्या आते हो जी बकरे का? हेलो चाचा, 1,00,000 रुपए ये मांग रहे हैं माशाल्लाह। ये सूट के साथ ही बांधे हुए हैं। ये देखिए बिल्कुल क्लोज होकर बंधा हुआ है, ये भी जुल्म है। बछड़े नज़र आए हैं माशाल्लाह। पसंद है? क्या आते हो? 170,000। 1,70,000 रुपये मांग रहे हैं। और इसका बकरे का? 50,000 रुपये का। गाँव ही बेचते हो? यहाँ भी नज़र आ रहे हैं। ये बछड़ा भी है बच्चे के पास। क्या आते हो बच्चे, इसका क्या कह रहे हो? 1,90,000 का। इनके पास भी है माशाल्लाह। क्या आते हो बुजुर्गो? 2,50,000। ये 2,50,000 रुपये मांग रहे हैं माशाल्लाह। यहाँ पे भी बछड़ी हैं माशाल्लाह।
क्या हो? 70 एक 70 ना, ये 1,70,000 मांग रहे हैं। तुसे देने बछड़े क्या हो सर? इसका डेढ़ लाख रुपए मांग रहे हैं। और इसका भी डेढ़, ये भी 1.5 लाख रुपए का मांग रहा। ये ब्राउन बैल भी है देखें, माशाल्लाह देखने में तो बिल्कुल मासूम नज़र आ रहा है। चाचा क्या आते हो? क्या आते हो? रेट क्या आते हो? 2 लाख 2,30,000 2,40,000 अच्छा क्या हो जी? 2.5 लाख रुपये मांग रहे हैं। बेहतर ये गाया ही हुई है। के रेट ने इसका 1,20,000 रुपये मांग रहे हैं। ये देखिए ये गाय मारने वाली है। कोई तो सही है। भाई के पास भी ये गाय है। इसका क्या आते हो जी? इसका 2 भी बछड़ा स्नाल है जी। परला भी उसका क्या आते हो? उसका 1,70,000 1,70,000 ये देखिए माशाल्लाह। क्या आते हो जी इसका? 1.5 लाख जी। 1.5 लाख रुपये मांग रहे हैं जी माशाल्लाह। ये बछड़ी भी अच्छी है माशाल्लाह। क्या आते हो इसका? 2,30,000 रुपये माशाल्लाह। क्या आते हो जी इसका? 2,80,000 रुपये पर लेते 2,80,000 उसका भी 2,80 क्या आते हो जी इसका? 10,000 जी। 10,000 सर असें ब्लॉग बनाने असें केह दसना है? बछड़ी है ना 2,50,000 रुपये कह रहे हैं। क्या आते हो इसका? हाँ जी 1.5 लाख ये भी बछड़ी है। ये देखेंगे माशाल्लाह। के रेट ने भाजी? 2 लाख हाँ जी 2 लाख 2 लाख रुपये मांग रहे हैं माशाल्लाह। क्या आते हो जिसका? 2,80,000 रुपये पर लेता पर लेना 2 भी 2,20,000 और ये 2,80,000 रुपये का ये बछड़ा जी। 1,60,000 ये नज़र आया जी, बुल नज़र आया काफ़ी टाइम के बाद। क्या आते हो जी इसका? 3,20,000 रुपये मांग रहे हैं जी। दुए का 3,00,000 ये मारते हैं स्क्रीन की जगह टांगे वो बोलती नहीं है। क्या तो भाजी इसका? इसका 2,80,000 रुपये 2,80,000 रुपये मांग रहे हैं इस पुल का माशा। माशाल्लाह
क्या कहते हो जिस तरह दो लाख साठ हज़ार दो लाख साठ हज़ार रुपये माशा एक बैल ये है माशाल्लाह इससे क्या कहते हो जी साढ़े तीन लाख रुपये माशाल्लाह मुझे भी प्यारा है माशाल्लाह दोनों वाइट और क्या कहते हो जी इसका दो लाख रुपये मांग रहे हैं इसका वाइट वाले का एक ब्लैक जो है ये माशाल्लाह बच रहा है कितने दो है एक लाख नब्बे हज़ार माशाल्लाह ये इन्होंने सेल कर दिया एक लाख नब्बे हज़ार माशाल्लाह ये बकरे क्या थे उसका जो है पैंसठ हज़ार रुपये पैंसठ हज़ार रुपये जी माशाल्लाह ये बकरा भी है जी माशाल्लाह क्या कहते हो इसका डेढ़ लाख ये डेढ़ लाख रुपए मांग रहे हैं वजन कितना होता है इसका अंदाजन दो मन के कहते हैं जी माशाल्लाह यही तगड़ा बकरा जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं वापस आ चुका हूँ और अभी गाड़ी से उतरा हूँ वॉक करके जाता हूँ घर और नमाज़ पढ़ूँगा इंशाल्लाह और उसके बाद फिर खाना खा के रेस्ट करूँगा तो बारिश हुई है जी अल्हम्दुलिल्लाह और बारिश से काफ़ी निखार आया और मौसम में भी चेंजिंग आई है।